जैसे उनका कैसा मन करता आ जाते मार देते चले जाते, वैसे अभी अपने लोग को स्ट्राइक लेना चाहिए कि जब मन करे, हाथ में खुजली हो रही ना, अंदर गए चार पांच को मारे फिर आ गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक। जब मन करे ना हमारे फौजी लोग का, हमारे भाई लोग का कि भाई अब इनको मारने का, तो घुस जाए और मारे और आ जाए, ऐसा करना चाहिए। What is surgical strike? Surgical strike is basically a limited offensive, you know. It's actually not a full-scale war. It's going inside the enemy territory and then neutralizing the target, what we've sought. Surgical strike अभी जो हुआ था ना चार पांच दिन पहले, अपने आर्मी ने पाकिस्तान में घुस के मारी थी वहाँ के आतंकवादियों को, टेररिस्ट को, सर्जिकल स्ट्राइक यही है। बेसिकली आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट आई थिंक दैट इट माइट बी समथिंग विच इज बीन प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, और आई गेस दैट्स द थिंग, मींस इंडिया माइट हैव अ वेल प्लान्ड एंड कैरीड आउट एग्जीक्यूटेड इट प्रॉपरली, मींस आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट लोकेशंस वेयर टू हिट विच विल कॉज मैक्सिमम इम्पैक्ट एंड देन टू हिट दैट एरियाज माइट दैट बी सर्जिकल स्ट्राइक। एग्जैक्टली आई एम नॉट दैट मच श्योर अबाउट इट, सो दैट माइट बी द केस। पूर्वी लादेनला मारण्यासाठी जे अमेरिकेने जे केलेलं ते आम्ही टी व्हीवर त्याच्या क्लिप्स पाहिलेल्या, त्याच प्रकारचं हे अतिरेक्यांना मारण्यासाठी रात्रीच्या वेळी किंवा आपले बॉर्डरवरनं त्या दुसऱ्या देशाच्या बॉर्डरमध्ये घुसून अतिरेक्यांवर स्पेशली आपण जो अटॅक करतो, सर्जिकल स्ट्राईक मीन्स प्लॅन करके जाते फिर मारना, अटॅक करना और खत्म करे। What is your opinion on the surgical strike conducted by the Indian Army? बराबर ही क्या उनके टेररिस्ट आते इधर इंडिया में 26/11 को भी ये करके गए, तो उसके लिए बराबर ही किया, कुछ गलत नहीं था। वेरी Indian Army and hats off to the forces and I think it was a befitting reply to whatever Pakis did in India and whatever they were trying to do. I think that would sort out the Pakistan's mindset for a lot of time to come. अच्छा ही हुआ ना, बहुत दिनों से मौका दे रहे थे हम लोग उन लोगों को, बहुत टाइम से दे रहे थे एक्चुअली, और ये सब जो हो रहा है ना बेसिकली, तो ये सब होना नहीं चाहिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल करना है तो एक ही साथ करके ख़त्म कर देना चाहिए। उनके पास भी परमाणु है, अपने पास भी परमाणु है, जो पहला मारा वो सक्सेस, खत्म। हर बार चांस दे रहे हम लोग, कितनी बार चांस दे देंगे, हम लोग ही दे रहे उनको, उनके क्रिकेटर को हमने खिलाना बंद किया, अभी चाहिए कि अपन सब कुछ बंद कर दे भी उनके साथ, कुछ लेन देन नहीं रखे, कुछ भी नहीं, अगर अपना एक रुपया भी वहाँ जा रहे ना तो वो भी नहीं जाना चाहिए, सब बंद करो उनके साथ, बायकॉट कर दो उनके साथ, टोटली बंद, हर चीज़ बंद उनके साथ। आता केला कसं की काही गोष्टी लिमिटच्या बाहेर गेल्यानंतर करायलाच हवं आहे, तर जे केलं आहे ते चांगलं आहे, त्यांच्यामुळे आपण जे जनरल लाईफ जपतो आहे, आपण इकडे बिंदास फिरू शकतो आहे, खाऊ शकतो आहे, ते जस्ट आपल्या त्यांच्यामुळे, म्हणजे आपली जे सर्व्हिसेसचे माणसं आहेत जे तिकडे बॉर्डरवर आपली रक्षा करतात, त्यांच्यामुळे आपण ॲब्सोल्युटली तिथे जगू शकतो, त्यांच्यावर काय होतं आहे ते आपल्याला कळत नाही आहे, पण आता हसतो आहे खेळतो आहे आपण फक्त त्यांच्यामुळे, तर हॅट्स ऑफ त्यांच्यासाठी जे काय ते चाललेलं आहे, फक्त ते स्थिरावलं पाहिजे असं मला वाटतं। इट्स गुड ॲक्च्युली बिकॉज ॲट सम पॉईंट यू हॅव टू डिफेंड युअर एरियाज, लाईक मीन्स इट इज गुड दॅट इंडिया हॅज नॉट अटॅक्ट एनी अदर कंट्री ऑर समवेअर, बिकॉज इट इंडिया हॅज बीन दॅट मच पेशंट अँड मीन्स हँडलिंग दॅट अटॅक्स अँड एव्हरीथिंग दॅट इज हॅपनिंग, बट देर इज सम लिमिट टू एव्हरीथिंग, सो इट्स गुड दॅट इंडिया हॅज जस्ट टार्गेटेड द राईट एरियाज अँड अटॅक वेअर टेरर नीड्स टू बी अटॅक्ट, मीन्स इट्स नॉट दॅट I don't think that it's an attack on Pakistan, it's an attack on what they're doing, means it is an attack on that thing. But what is your opinion on the ban of Pak celebrities in India? Well, that is a political gimmick, that's what I can say. Artists are artists, I don't think that, you know, we should ban artists. Now, can you stop listening to Rahat Fateh Ali Khan, even if he's banned? Well, that's then, no, it should be totally from the minds and hearts, but you cannot take away the artist away from the heart. I'm one question I'll ask to and I'll say on my own about the Om Puri. I'm fucking irritated on you.
फक हाउ कैन यू से लाइक दैट कि हमने नहीं बोला था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए. फक यू यू एसोल, फक यू. यू नो व्हाट, वो लोग जी रहे हैं ना, वो लोग अगर आर्मी पे लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो हम लोग जी रहे हैं. सीधी बात है, हम लोग यहाँ पे अगर प्रॉपरली घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ देम. 24-year-old a soldier died. So how can you say like that कि हमने नहीं बोला था. Come on, you grow up, you are a big artist. Grow up, man. सही किया है ना, सही किया है, अच्छा किया, बैंड किया है. क्या अपने पास कम है क्या एक्टर एक्ट्रेस? कितने दुनिया के पढ़े हुए? क्या आतिफ असलम ही एक गाना गाएगा? अरिजीत सिंह नहीं है क्या? कितने लोग पढ़े? दूसरे लोग को गवाओ, दूसरों को मौका दो, उनको ही गवाना ज़रूरी है क्या? जाए वो कहीं और जाके गाए, हमारे इंडिया में आने की गाने की ज़रूरत नहीं है उनको. ना कसं आहे की ते पर्सनल आहे सगळ्या गोष्टी, तर मला असं वाटतं की त्याने कोणी कमेंट्स करावं नाही त्याच्यावर, की आपले काही ॲक्टर्सने कमेंट्स केलेले, काही जणांनी निगेटिव्ह केले, काही पॉझिटिव्ह केले, तर तो प्रश्न आपल्या देशाचा आहे, देशाचे आपले पॉलिटिकल लीडर्स आहेत, ते त्याने ठरवायचे. आपण सांगून काय येत नाही, ते येताना आपल्याला सांगून आलेले नव्हते पब्लिकला, त्याच्या आम्ही काहीतरी कमेंट्स करणं हे बरोबर नाही आहे, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. वो भी सही किया, क्योंकि इंडियन फिल्म सुधार लोग अलाउ नहीं करते, तो इधर से भी बैन होना चाहिए. यो वन मैसेज टू पाकिस्तान, प्लीज लिमिट योर एक्टिविटीज, स्टे एज अ नेशन, डोंट मेस अप, मेस इनटू इंडियाज अफेयर्स, एंड डोंट मेस विद अस ब्रदर्स. पीस ब्रो, पीस, प्लीज पीस, वी वांट पीस एंड वी लव यू ऑल. जस्ट आइडेंटिफाई द टेरर ग्रुप्स एंड क्लीन देम, दैट्स द ओनली थिंग दे कैन डू, बिकॉज that's something which is coming from your home, then you should do something to clean about it. Bas terrorism mat phailao, unke bhi log hai, apne bhi same hi hai, sirf terrorism mat phailao. Simple sa message hai bhai, abhi har jagah common hai wo, tum bata ke maroge, chupa ke maroge, peet piche maroge, right? But jab hum log marenge to samne se marenge, और जब भी मारेंगे तो घुस के ही मारेंगे, जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक में मारे. बोलते ना, अगर अपनी कंट्री की पूरी पब्लिक खड़े रह के उस तरह पेशाब कर देगी ना, तो बह जाएगा पाकिस्तान. वन मैसेज टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट गाइस, सैल्यूट. हाउ यू आर फाइटिंग फॉर अस, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू ऑल. यू नो यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट गोइंग होम फॉर यू नो फॉर अस एंड फाइटिंग फॉर इंडिया. सैल्यूट यू गाइस, सैल्यूट यू. वेल, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, रियल वर्किंग बॉडी which does not, which is not maligned with corruption. You know, we need to learn from the Indian Army. भाई आप लोग डरो मत, जब भी सपोर्ट रहेगी हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं. कुछ भी हमारी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमको बोलो, हम भी करेंगे. आप जब भी हमको बोलो, हमको गन चलाने नहीं आती, हमको प्रैक्टिस देंगे तो हम भी चलाएंगे. हमारे देश के लिए हम भी करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं. तो आप लोग करते हो जो करते हो उसके लिए है, तो हमें आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमसे बोलो, हमारी जितनी भी जनता है हम सपोर्ट करेंगे जो भी हमसे हो सकेगा. ना हेड्स ऑफ त्यांना, कारण का त्यांच्यामुळे, आता जसं मी अगोदर पण म्हणालो की त्यांच्यामुळे आपण हसत करतो आहे. इकडे जैसे भी कर रहे, सही कर रहे, मारे तो मारो, खतम कर दो. आय सल्यूट इंडियन आर्मी, आय सल्यूट इंडियन आर्मी, आय सल्यूट इंडियन आर्मी, हाय सल्यूट इंडिया, आय सल्यूट इंडियन आर्मी, वी सल्यूट टू इंडियन आर्मी, जय हिंद. प्लीज सल्यूट इंडियन आर्मी. अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना.